नौकरी नहीं करने के बावजूद ऐसे मिल सकता है होम लोन। इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत। हर नौकरी पेशा लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि शहर में अपना घर हो, लेकिन जब तक आपकी अच्छी नौकरी नहीं है घर खरीदने के लिए होम लोन भी नहीं मिल पाता है। होम लोन लेने के लिए सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए नियम शर्तें एक जैसी हैं। बस अंतर है जमा किए जाने वाले दस्तावेजों में। होम लोन देते समय सबसे अधिक महत्व लोन लेने वाले की आय और कर्ज चुकाने की क्षमता को दिया जाता है। इस तरह अलग अलग प्रकृति के रोजगार से जुड़े लोगों के दस्तावेजों में अंतर होता है, लेकिन होम लोन सभी ले सकते हैं। इसके लिए दो बुनियादी बातों पर ध्यान दिया जाता है। पहला, आपकी आमदनी और आपका क्रेडिट प्रोफाइल। आपकी आमदनी से लोन चुकाने की क्षमता के बारे में पता चलता है और क्रेडिट प्रोफाइल से पता चलता है कि आप लोन चुकाने के इच्छुक हैं या नहीं। वेतनभोगी लोगों को आमतौर पर दस्तावेज के रूप में 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, नवीनतम इनकम टैक्स रिटर्न और नियुक्ति पत्र देना होता है, जबकि अपना कारोबार करने वालों या प्रोफेशनल्स को 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न, ऑडिटर्स से सत्यापित बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, पहले से लिए गए लोन का विवरण, दुकान या कारोबारी इकाई, वैट रजिस्ट्रेशन और जरूरी लाइसेंस की कॉपी देनी पड़ती है। इसके अलावा शिक्षा और पेशेवर सर्टिफिकेट की कॉपी भी देनी पड़ती है। इन दस्तावेजों को जमा करके होम लोन पाया जा सकता है।